एक बच्चा हमसे बेहतर मोबाइल चलाता है कि हमसे कमजोर चलाता है? हमसे अच्छा मोबाइल चलाता है। गाड़ी हमसे अच्छी चलाता है कि कमजोर चलाता है? उसका लॉजिक हमसे कमजोर है कि ताकतवर है? मैं आपसे पूछता हूँ, बड़े लोगों से, कितनी बार आपके परिवार में ये स्थिति बनती है कि जवान बच्चों से चर्चा करते समय आप ये फील कर लेते हैं कि इसका लॉजिक मेरे लॉजिक से स्ट्रांग है और आप सम्मानजनक तरीके से विड्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाओगे तो अब आपकी आपका लॉजिक कट जाएगा? कितनी बार ये फील ऐसा घरों में फील होता है कि नहीं होता? ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों के पास लॉजिक हमसे ताकतवर है, उनका स्किल हमसे बेहतर है। यदि बच्चे लॉजिक में हमसे आगे निकल पाए, स्किल में हमसे बेहतर निकल पाए, है ना, फिजिकल वर्ल्ड में हमसे बेहतर निकल पाए, इसका मतलब है कि उनका कॉम्पिटेंस लेवल कम नहीं है। फिर वो संबंध में हमसे आगे क्यों नहीं निकल पाए? इतना ही है कि हम में संबंध को आस्थावश निभाने की और झेलने की ताकत जो आस्था से मिली थी, हम बड़े लोगों में संबंध को आस्थापूर्वक, संबंध में आस्थापूर्वक झेल लेने की ताकत जो मिली थी, अब बच्चों में आस्थापूर्वक आस्था नहीं है। लॉजिक आने के बाद आस्था धीरे धीरे ढीला हो गया, इसलिए अब वो झेलने के मूड में नहीं। पहले भी संबंध बहुत अच्छे थे, जो थे किसी आस्था की वजह से थे, किसी व्यवसायिकता। देखिए, मेरे को लगता है कि भारत में जॉइंट फैमिली की परंपरा या तो किसान में मिलती है या व्यापारियों में मिलती है, क्योंकि व्यापार और खेती दोनों की आवश्यकता जॉइंट फैमिली है। तो जॉइंट फैमिली हमारी व्यवसाय की आवश्यकता से मिली, आस्था से उसका पोषण हुआ, इसलिए लंबे समय तक चला। लेकिन उसमें हम झेल रहे हैं, अंदर दूसरों को ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारे परिवार में जब बंटवारा हुआ, उसके पहले से 20 साल से अंदर अंदर खराब ही चल रहा था, क्योंकि समाज में परिवार के टूटने को अच्छा नहीं मानते, परिवार के सम्मान के लिए वो ठीक नहीं है, इसलिए 20 साल एक दूसरे को झेल के भी गाड़ी चलाते हैं। अब लगभग चूंकि एकल फैमिली की संख्या बढ़ गई, इसलिए परिवार का टूटना कोई ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोग झेलते नहीं हैं। पहले पति पत्नी पत्नियाँ कमाती नहीं थी, इसलिए ज़िंदगी भर झेलती थी, अब वो भी कमाती है, उसको लगता है ज़्यादा झेलने की जरूरत नहीं है, नहीं चलता है। अलग पहले बाप भी बोलते बेचता था, बेटा तेरी अर्थी ससुराल से उठेगी, वही तेरा घर है, वो कहता है कि जब मन लगे वापस। इस तरह से देखेंगे तो परिस्थितियाँ बदली हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि संबंध को जीने की योग्यता सही अर्थों में ना पहले थी ना आज है।